हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल साउथ स्पेशल बाय चिनीज। आज का वीडियो में मैं आप लोग का साथ शेयर कर दूंगी आटा का डोसा कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा मॉर्निंग टिफिन के लिए। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इसको प्रिपेयर करके दे सकते हैं। चलिए अभी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पे 1.5 कप का आटा ली हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे आनियन कट्स, चिल्ली कट्स एंड धनिया पत्ता का कट्स। अभी इसमें साल्ट दे रही हूं। साल्ट का बाद इसमें 1 egg ऐड की हूँ एंड थोड़ा सा दूध भी मैं ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने से क्या होगा, ये डोसा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इसके लिए मैंने जस्ट थोड़ा सा दूध ऐड की हूँ। इसको अच्छा से एक बार मिक्स कर लिया। उसका बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप कंसिस्टेंसी देखकर थोड़ा थोड़ा करके डालते मिक्स करते करते चेक करना होगा। ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। डोसा का बैटर जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं वैसा ही ये बैटर भी होना चाहिए। मेरे को करीब 2 कप का पानी इसमें लगा है। 1.5 कप का आटा के लिए मुझे 2 कप का पानी लगा है। देखिए ऐसा लम्स नहीं होना चाहिए। धीरे से अच्छा से इसको मिक्स करना होगा। देखिए बैटर हम लोग का रेडी हो गया। अभी स्टोव का ऊपर पैन रखेंगे। पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम लोग डोसा प्रिपेयर करेंगे। अभी पैन गर्म हो गया फ्रेंड्स, अभी हम डोसा स्प्रेड करेंगे। इसका ऊपर 1 स्पून ऑयल देकर इसको ढक देंगे। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे डोसा अच्छा से फ्राई हुआ कि नहीं। देखिए अच्छा से फ्राई हो गया है। अभी डोसा का सेकंड साइड भी हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये है फ्रेंड्स आज का वीडियो। होप आप लोग को अच्छा लगा है। आप लोग जरूर इसे ट्राई कर लीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपका कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल में विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।